सरिता राव, आप सभी का स्वागत है स्पेन नए न्यूज के खास प्रोग्राम सकारात्मक खबर में। सकारात्मक खबर में रोजाना हम आपको किस्से कहानी से मिलवाते हैं, सुनाते हैं, दिखाते हैं, जो आपको और हमें एक नया सोच, एक नया नजरिया दे। आज हम बात करेंगे उसी कुनबे की, उसी राजनीतिक परिवार की जो आजकल लगातार सुर्खियां बना हुआ है। लेकिन इस बार जिसके किरदार की हम बात करेंगे, ना वो शिवपाल है, ना ही वो अखिलेश है, और ना ही वो नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव है। इस बार हम बात करेंगे अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पर, कि कैसे पारिवारिक कलह के बीच में भी वो एक बहू होने का अच्छे से फर्ज निभा रही हैं। लगातार समाजवादी पार्टी से रोजाना नए नए बेबाक बयान सामने आ रहे हैं, रोजाना एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष हो रहा है। लेकिन डिंपल यादव ने अपने बहू होने का फर्ज इतने अच्छे से निभाया कि अभी तक पारिवारिक कलह के बीच में एक बार भी उन्होंने उल्टा जवाब नहीं दिया। चाहे वो चाचा शिवपाल ही क्यों ना हो, नेताजी क्यों ना हो, या फिर उनके पति अखिलेश यादव ही क्यों ना हो। देखिए डिंपल यादव की कहानी। बुंदेलखंड की कन्नौज लोकसभा सीट से उस वक्त डिंपल यादव सांसद हैं। भाजपा इस सीट को हासिल कर सपा पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहती है, और इस बार कन्नौज लोकसभा सीट से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। खबर यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव डिंपल यादव नहीं लड़ेंगी और वो कन्नौज में अखिलेश के चुनाव का प्रचार प्रसार का काम देखेंगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में कानपुर बुंदेलखंड की 10 लोकसभा सीटों में से भाजपा ने 9 सीटों पर भगवा लहराया था, लेकिन भाजपा कन्नौज की सीट पर भगवा लहराने में कामयाब नहीं हो सकी थी। डिंपल यादव ने कन्नौज से सपा की सीट बचा ली थी, लेकिन भाजपा को इसी बात का मलाल था कि कन्नौज की सीट यदि किसी तरह जीत लेते तो सपा पर हमला और भी आक्रामक तरीके से कर सकते। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में आए परिणाम के बाद एक बार भाजपा के अंदर इस बात की आस फिर से जागी है कि कन्नौज की लोकसभा सीट जीती जा सकती है। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव की शुरुआत कन्नौज से साइकिल यात्रा निकालकर करने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कन्नौज की जो सीट है वो सपा परिवार की ऐतिहासिक सीट है। कई सालों से लगातार इस सीट पर सपा परिवार का ही कब्जा है। इस सीट से आज तक कोई भी बागी नेता सांसद नहीं बना है। वही डिंपल यादव का कन्नौज संसदीय क्षेत्र है। 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार का कार्य डिंपल यादव ही देखेंगी, और इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि डिंपल यादव किसी जनसभा को संबोधित नहीं करेंगी। इस बार उनका पूरा कामकाज जो है वो पार्टी और चुनाव प्रचार के ऊपर है। वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार पर ही ध्यान देंगी। ये था डिंपल यादव का राजनीतिक करियर। डिंपल यादव बहुत ही साधारण बहू हैं, बहुत ही साधारण लड़की हैं, बहुत ही साधारण एक महिला है, जो हमेशा चाहे सभा हो, चाहे रैली हो, परिवार हो, या फिर वो लोगों के बीच में खड़ी हो, हमेशा उनके अंदर एक सादगी दिखती है। आप हमारी रिपोर्ट में एक तस्वीर देख सकते हैं। इस तस्वीर में मुलायम सिंह यादव बीच में खड़े हैं और अखिलेश यादव उनके बगल में खड़े हैं, और ठीक उनके बगल में डिंपल यादव दिख रही हैं। और उस दौर पे उन्होंने अपने सर पर पल्लू रखा है, जो ये दिखाता है कि अगर महिलाएं कितनी भी बड़ी हो जाएं, कितने भी बड़े पद पर हो जाएं, लेकिन परिवार का सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए। एक राजनेता होने के नाते, एक सांसद होने के नाते उन्होंने भरे मंच पर ये साफ दिखा दिया कि वो एक अच्छी बहू है, जिससे हमें सीखना चाहिए कि हमें कभी भी अपने पद पर, हमें अपने अधिकार पर घमंड नहीं है। डिंपल यादव एक ऐसी महिला है जो हमेशा मीडिया से दूरी बनाए रखती हैं। वो हमेशा बहुत कम बोलती हैं, और जब भी बोलती हैं तो बहुत अच्छा बोलती हैं और सादगी भरा बोलती हैं। कभी भी उन्होंने बेबाक बयान नहीं दिया, जिसके चलते वो हमेशा ही शांत व्यवहार वाली महिला रही हैं। कभी वो किसी विवादों में नहीं फंसी हैं। इन रिपोर्ट में आप देखेंगे हर एक तस्वीर में डिंपल यादव बहुत ही सादगी से, आराम से खड़ी हैं, तरीके से बात करती हैं। कभी भी उन्होंने बेबुनियाद बयान नहीं दिया, कभी उन्होंने परिवार के खिलाफ बयान नहीं दिया, कभी भी उन्होंने विपक्ष को भी अगर तंज कसा है तो एक लहजे से कसा है, ताकि विपक्ष हो, फैंस हो, या फिर उनके कार्यकर्ता हो, ये ना कहें कि डिंपल यादव बहुत बोलती हैं। वो एक सांसद होने के नाते वो सबसे पहले बहू हैं, और वो बहू का फर्ज बहुत अच्छे से निभाती हैं। अगर आज के समय में अगर हम कुनबे की सबसे बड़ी पार्टी यानी कि सूबे की, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी को देखें, तो इस वक्त पार्टी में कलह जोरों शोरों से चल रहा है। आए दिन शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह को लेकर के नए नए विवाद बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन डिंपल यादव इन सब सभी चीज़ों को देख करके एकदम शांत हैं, जो ये दिखाता है कि परिवार में अगर झगड़ा हो रहा है तो
तो जरूरी नहीं है सभी का बोलना, अगर एक शख्स शांत है तो इससे बात बन सकती है। डिंपल यादव वही कर रही हैं। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा है किस तरीके से डिंपल यादव का राजनीति करियर और जो उनका पर्सनल जीवन है कितना ही स्वाभाविक और कितना ही सादगी से भरा हुआ है। आज तक उन्होंने कभी भी बेबाक बयान नहीं दिया, कभी वो अपने बयानों के चलते सुर्खियों में नहीं आए कि हाँ उन्होंने कभी गलत बयान दिया हो और यादव परिवार की नाक कटाई हो। हमेशा उन्होंने एक बड़ी बहू होने के नाते अपना पूरा फर्ज निभाया है और निभाती भी आ रही है, और इन्हीं सब के चलते लोकसभा चुनाव में उनका बहू का बड़प्पन भी दिख रहा है कि किस तरीके से उन्होंने कन्नौज की सीट से चुनाव लड़ना मना कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस सीट से अब अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे और वहीं शिवपाल यादव की जो नई पार्टी बनी है समाजवादी सेक्युलर मोर्चा, इस पार्टी से उनके बेटे यानी कि आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे। और इस पारिवारिक लड़ाई के बीच में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने अपना किनारा कर लिया है और वो इस बार लोकसभा चुनाव में सिर्फ चुनावी कैंपेन को देखेंगे किस तरीके से चुनाव का प्रचार होगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए स्पेन 9 न्यूज़।